हाँ हम वह तो हम कह रहा दुकान में हमारा कहे मारियो ठीक है हम नहीं मारबे लेकिन हमरो बात सुन ले तू कह अरे की जाए छिया पंजाब खटले आहे ठीक से तू रही हो ओहो हे उषा सुना कहो ना अरे जाए छिया पंजाब खटले की ठीक से तू रही हो तोरा केतना कोई बोलै ता के करो मना नहीं कहे छे तोरा केतना पे बोले तक करो अंगना नहीं जई हो आय दूसरा अंगना जेबी आ दोसर पता चलते कि कनिए हमरा लाइन मारे लगलो तोरा दोसर सब की पहिले हमर सुनबा तब ता अरे आय के लगे दिल्ली पंजाब में कहि त नहीं जई हो आहे लगे दिल्ली पंजाब में कहीं तो नहीं जई हो अच्छा ए हो आहे लगे दिल्ली पंजाब में कहीं तो नहीं जई हो सुनो ना रूपा कहां से तो सुन बहुत अब तक सुना हम निम के है रोट खैबे हमरा जरे खई हो हम निम चलिए परदेश से बेवा ढेर रूपा पैसा कमेबे अच्छा तब ना गाय माल किनबे जे घर में दूध नहीं किने परदा देखे छ दूध के दाम हो गेले 70 रुपया हमरा नहीं जे कोई छे रूपा पैसा के बिना पैसा के दुनिया चलले आय आय जे तू एते आयल छो आय हम तोरा पर मारियो हमरा तोरा जे तू लए अथी करे छ आय आयो आयो ई गाबे लए लो तो कने होते की हो बाबा गुरु बोला हम तोरा से 50,000 टका ले लो सुना माने सो चलिए परदेश कमाई के लिए बैरू बैला है हर कट्ठा डंडा जमीन ले बई एगो थे रुकैया है एक मिनट कठा डंडा जमीन ले वाला एगो ठेनो गैया के लेते तुहार दिन जब घास काटे हम मैंने जब घास सर काटे ले एगो ठेनो गैया के लेवे लेबे रुपैया है सब बाल बच्चा के नहीं देखे छी बौखल घुरै छ अच्छा त नहीं किन देबो त दूध किन के खिलावे के छौ काद दूध खाइए चाहे नहीं खाइए किन के खा लेबे ठीक ना हमरा उ गैया धैया में अरे तो किनने में भी पैसा लगता है पैसा नहीं लाओगे पैसा नहीं लेके देंगे लाएंगे कमाएंगे तो कहां से खिलाओगे बताओ अच्छा तो कहां ना कह रहे हैं
सोचलिए परदेश जाके कुछ रूपा कमा लेबे आ जब आबे लागबे ने उने से त एना गांव में एगो बढ़िया रंग के खेत के जमीनो किन लेबे एगो दुगो गायो किन लेबे आखिर तू त दुलड़ी गाय रंग के छी आ जेकर खनिए गाय रंग के रह ओकरा घर में एगो गाय त सोहा दे छै कि नै बुझली आ सुन हमर बात छोड़ दीजिएगा कोई अरिकी की बालो बच्चा ठीक से रहता अरे दूध तू खाई जान केना पलावे छे से दूध तू खाई हो हमरा नहीं खाक छे दूध ठीक ना जा तो हां खाया खुबे अरे की बालो बच्चा ठीक से रहता की दूध तू खाई हो तोरा केतनो कोई बोलैता के करो अंगना नहीं अच्छा अच्छा आइ ठुमका लगबेल सिखबो जी जरूर सिखेंगे सिखबो मैथिली में अपन भाषा हां सिखबे सिखबे ने सिखबे सिखबे बहुत अवतार पति का अगर ना चल आवे छे तो पत्नियों का कनी मनी आना चाहिए अच्छा कि नहीं हो कनी मनी आना चाहिए ना ए हो हमरा आइते तब ना हम सिखबे हम ना बतेबो तो सिखा ना देखो है ना एगो हाथ एगो पैर ना कर अच्छा ना कर ले हां एगो हाथ आइ पले अच्छा सीख ले कनिए सिखा दियो बुझलो बाप रे बाप तोर कनिए तोरे नचावे हो तो तू हमरा कह छी कल कहे हां ना करा हाथ देखो सिखा ना एक एक पर ऐसे ले जाना है हां ओकर बाद है ना नीचे ठीक है हम गावे छ तू कर यार धीरे धीरे फिर से पूरा है जी जरूर कि तू त बहरा में करे लगा समझ सकता है लेकिन हम इस बात को समझते हैं
हम इस बात को समझ के अगर समझ जाएंगे फिर भी ना समझ हो जाएंगे तो तुम्हारे बच्चे को कौन समझा समझा के रखेगा खिलाएगा। एक मिनट, कहती है कि ए पिया आप मत जाइए वहाँ, मतलब मैथिली में ये हो नहीं जाना है, अब मैं यहाँ अकेले केना रहबे नया नोहर कनिया छे, तो वह कहे छे अरे सुन पिया परदेश में, फिर से कोट दीजिए, कोट मत परवल 70 रुपया मिले छे बाजार में। अच्छा अभी जाके पता कर ले तो जहां मिले छे, लेकिन सामने में तोरा देखे छिए ना हम घर में, खाली देख ले जो पेट चलते तब तो मैं आ गेले, तब हम तोरा गोदी में बैठल रहबो। बोल अरे डेली छिटा उभनाई छे तो झुमका के साथ, झुमका के साथ वो बाजार है। अरे यही कमैया हम निम के हेरो खैबे हम जाए ¡Gracias!
कहां पैभो हमरा हाथ के रोटी वाला स्वाद कहां पैभो। ये तो सच्चाई है कि सही में एक पत्नी अपने पति के लिए जितना अच्छा खाना बना सकती है, एक पत्नी अपने पति को जितने प्यार और सम्मान से रख सकती है, अपना कनिया के रोटी से अच्छा दुनिया में कोनो रोटी नहीं लागे छे। बसरते आपके पति और पत्नी के बीच का जो प्रेम है वह सच्चा और निश्चल होना चाहिए। दुनिया में एक रिश्ता जो होता है ना पति और पत्नी का, वो संसार का सबसे पवित्र रिश्ता होता है, क्योंकि अग्नि को साक्षी मान के लोग ये रिश्ता बनाते हैं। सही बात। हाँ कहा कि अब तूने रोटी खाबे कहा। अरे हमारा हाथ के रोटी वाला ए हो स्वाद कहाँ पैभो। सुना ना हम निम के है रोटी खैबे हमरा जरत खै अच्छा लगला।